विश्व में चल रहे युद्धों में बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि अब युद्ध जमीन से ज्यादा हवाई हो चुका है। गोला गिराने से लेकर बम और मिसाइल दागने तक के काम ड्रोन बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रहे हैं। ये ड्रोन कई तरह के हैं, सभी की अलग अलग क्षमता और खासियत है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तो रूस के पास यूक्रेन की तुलना में काफी बेहतरीन ड्रोन है। यही वजह है कि रूस का एयर डिफेंस भी यूक्रेन की तुलना में मजबूत है। यूक्रेन के पास वैसे भी अपना ज्यादा कुछ नहीं है, वह पहले से ही अमेरिकी मदद और अमेरिकी हथियारों के भरोसे युद्ध लड़ रहा है। जब तक अमेरिका उसे हथियार दे रहा है तब तक यूक्रेन भी उन्हें खर्च कर रहा है। जिस दिन हथियार खत्म होंगे या जब अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा उसके बाद यूक्रेन के पास रूस का मुकाबला करने के लिए कोई बहुत आधुनिक हथियार भी नहीं है और रूस तो हथियारों के मामले में यूक्रेन के मददगार अमेरिका को भी टक्कर देता है। कई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रूस के पास अमेरिकी हथियारों के मुकाबले बेहतरीन टैंक, मिसाइल और ड्रोन है। अब रूस का एक और नया ड्रोन सामने आया है। रूस के इस नए ड्रोन का नाम क्यूब लोचन म्यूशन है। इसे ज्वाला KYEB UAV KUB BLA के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर इसे क्यूब कहा जाता है। ये नया ड्रोन यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है क्योंकि रूस के पास जितने अपग्रेडेड हथियार होंगे यूक्रेन के लिए वो उतने ही घातक साबित होंगे। नए क्यूब ड्रोन की बात करें तो ये कई खासियतों के साथ आता है, हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। लेकिन बात पहले इसकी खूबियों की कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये दुश्मन के ठिकानों पर एक बार में ग्रुप स्ट्राइक कर सकता है। इस ड्रोन के बारे में दिग्गज रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने अपने टेलीग्राम चैनल पर खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसे रोस्टेक कंपनी की सहायक कंपनी ही क्यूब ड्रोन के निर्माता है। बात करते हैं क्यूब ड्रोन की खासियत की तो रोस्टेक ने ये भी खुलासा किया कि क्यूब एक वर्सेटाइल यानी बहुमुखी ड्रोन है। ये तुरंत हमला कर सकता है और कुछ गड़बड़ होने पर हमले के लिए सटीक समय का इंतजार भी कर सकता है। क्यूब अपने विस्फोटक या एक्सप्लोजिव चार्ज को बहुत सटीक तरीके से डिलीवर करता है। इसके ये खासियत इसे रूसी हथियार के खजाने में एक दुर्जय हथियार बनाती है। रोस्टेक ने बताया कि क्यूब के वारहेड को TNT से डेढ़ गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। ये दुश्मन के डिफेंस को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार स्टेशनों और सेना को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस ने सैकड़ों ड्रोन तैनात किए हैं और उसके ड्रोन का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। रोस्टेक की माने तो हजारों क्यूब ड्रोन बनाए जा चुके हैं और रूसी सेना को उनकी सप्लाई भी हो चुकी है। इन ड्रोन की कमियों को सुधारने के लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे सैनिकों से फीडबैक भी लिया गया। क्यूब ड्रोन टेललेस डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना बड़ा चैलेंज है। इस ड्रोन को सीक्रेट तरीके से भी लॉन्च किया जा सकता है, हालांकि इसकी भी सीमाएं हैं। बात करें इसकी लिमिटेशन की तो इसकी सबसे बड़ी खामी इसकी उड़ान अवधि है। ये लगभग 30 मिनट तक ही उड़ने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता भी अधिकतम 3 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की है। इसमें ऑप्टिकल सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम नहीं है। इस सीमाओं के बाद भी क्यूब रूस की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है।